Hi, I'm Sanjeev Kapoor and you are watching Cook Smart. भाई, Cook Smart का मतलब क्या होता है? देखिए, या तो स्मार्ट कुकिंग हो सकती है या कुक स्मार्ट हो सकता है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब अगर आपकी जो कुकिंग है वो स्मार्ट है तो आप भी स्मार्ट हो गए, और इस तरह से अगर आप सारी चीजें जो हैं वो बढ़िया से इस्तेमाल करें, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो, खाने बनाने की चीजें हो, और जिस अंदाज में आप बनाएं वो स्मार्टली बनाएं, तो आपका खाना एकदम स्मार्ट हो जाएगा। आप कभी एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप जो चीजें हैं वो बढ़िया लगनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, मैं हाल ही में गया था फ्रांस, और वहाँ पे मुझे किसी ने ये नाइफ गिफ्ट किए, एकदम बढ़िया नाइफ दिखने वाले। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ ना, जगह जगह से कुछ ना कुछ नया उठा के लेके आता हूँ, और फिर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कैसी चीज़ें हैं। अब नाइफ चाहे छोटा है लेकिन बहुत तेज़ नाइफ है, तो ये जो है ये मैं लाल मिर्च काट लेता हूँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ, कोई एक स्पाइसी डिश बनाते हैं। देखिए, दुनिया भर में कहीं पे भी घूम के आए, लेकिन खाना तो अपना ही होना चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को पसंद आए, हम लोगों को समझ आए, अपने स्टाइल का खाना होना चाहिए। और ये मेरे पास चिलीज जो हैं, इसमें से बीज निकाल लिए, और अब क्या करना है, अब ये मेरे पास ये प्याज, और प्याज को जरा स्लाइस करूंगा। नॉन स्टिक पैन, फटाफट इसको बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल। अच्छा, ये जो डिश मैं बना रहा हूँ ये आलू की डिश है, छोटे वाले आलू, और उसको बढ़िया बनाने के लिए, जरा तीखा बनाने के लिए ये जो प्याज है इसे स्लाइस कर लेते हैं हम, और बहुत बारीक स्लाइस ना करें इसका आप। इसके अंदर ये लाल मिर्चें, इसके साथ साथ इसमें ये प्याज। अब ये जो डिश हम बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं आलू से, और इसमें जो आप स्मार्ट चीज कर सकते हैं वो ये कि आप आलू को उबाल के छील के पहले से रख सकते हैं। चलिए, ये आलू जो हैं उससे ये डिश बनेगी, और ये उबले हुए आलू, ये हमारे पास छोटे वाले आलू उबले हुए, और इसमें हम थोड़ा अदरक भी डालेंगे, और अदरक कटा हुआ, आप देखिए इतना बारीक काटने के लिए नाइफ वगैरह तो अच्छे होने ही चाहिए ना। तो इसलिए जब भी आप कहीं बाजार में अच्छी चीज़ें देखें तो मैं तो कहूँगा कि वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो कुकिंग का जो मज़ा है ना, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो ये अदरक लहसुन कटा हुआ बारीक, फ्रेश टेस्ट, तो ये हमने ले लिया। इसके अंदर अदरक लहसुन, और इसमें जरा जो मसाले डालने हैं हमें वो मैं पहले थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके साथ साथ थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिली। देखिए, मैंने कहा तीखा और खट्टा, तो तीखा पहले लाल मिर्च दिखने वाली, थोड़ी सी क्रश रेड चिली, और इसके अंदर पेपर भी डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी मिठास और फ्लेवर। और ये क्या है, ये एक्चुअली सौंफ को पीस के मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। भीनी भीनी मीठी खुशबू सौंफ बाजार में मिल जाती है, घर में पीस लें उसको। और ये जो है अब मसाला इसका ज़बरदस्त बनेगा, और ये हम बना रहे हैं हमारे आलू, और ये आलू उबले हुए छोटे वाले, और उसके साथ साथ ये मेरे पास एक है स्वीट एंड सार सॉस। तो ये जो स्वीट एंड सार सॉस है ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, इसको मिक्स कर देते हैं प्याज के साथ, प्यार के साथ। और अब इसके साथ साथ इसमें थोड़ी इमली का पल्प भी, मतलब वो सॉस तो डाली खट्टी मीठी वाली, लेकिन थोड़ी सी खटास बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें जो मीठापन है वो ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा खट्टा और तीखा चाहिए, हल्की सी मिठास चाहिए ये। और अब इसमें डाल दीजिए ये आलू, इसके साथ साथ इसमें डालेंगे फ्रेश क्रश्ड पेपर, ये देखिए। खैर, ये अब आलू जो हैं, लुक एट दिस। अच्छा, इसमें ये मसाला
इसके साथ में बिल्कुल लिपट जाना चाहिए, और अच्छी तरह से लिपटने के लिए इसमें नहीं नहीं मतलब ये थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा पानी इसके अंदर, और इसमें अब याद रखें कि हमने सॉस डाली हुई है स्वीट एंड सार, जिसके अंदर नमक भी था, तो इसलिए नमक जब इसके अंदर डालें तो हिसाब से डालें। अब आपको लग रहा होगा इसके अंदर हमने सूखी लाल मिर्चें डाली, क्रश्ड रेड चिली डाली, क्रश्ड पेपर डाला, तो ये बहुत तीखा हो गया होगा ना। ये तीखा ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर बैलेंस है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, प्याज की मिठास भी है, आलू जो हैं वो इसके अंदर ढेर सारे। अब ये जो आलू की सब्ज़ी बनेगी, खट्टी मीठी तीखी, मिठास भी ज़्यादा नहीं, तीखा भी ज़्यादा नहीं, खट्टा भी ज़्यादा नहीं, पूरा बैलेंस। ये लीजिए गर्मा गर्म हमारे आलू तैयार सर्व करने के लिए। वाह, ऐसे लगता है कि कोई रेस्टोरेंट में आप गए, आपने ऑर्डर किए आलू, और अगर ऐसे वाले आलू मिल जाए ना आपको तो मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया जो चीज़ें हैं, टेस्टी डिलिशियस, बड़ी कम मिला करती हैं। घर में तो आप बना सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वालों को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि किस तरह से बढ़िया बनेंगे आलू, थोड़े तीखे, थोड़े खट्टे, हल्की सी मिठास। पोटैटोज इन स्पाइसी टैमरिंड सॉस बनाने के लिए 25 से 30 छोटे आलू उबालकर छीले हुए, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, 1/4 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 मध्यम प्याज, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा अदरक, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 2 बड़े चम्मच स्वीट एंड सार सॉस, नमक स्वादानुसार। पोटैटोज इन स्पाइसी टैमरिंड सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों को काटकर बीज निकाल लें। एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, प्याज के मोटे स्लाइस कर लें, पैन में लाल मिर्चें और प्याज डालकर 2 मिनट तक भून लें, फिर अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट तक भूनें, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च और सौंफ पाउडर डालकर मिला लें, 1 मिनट और भून लें, उसमें स्वीट एंड सॉर सॉस डालकर मिलाएं, इमली का पल्प डालकर मिला लें। अब आलू, कुटी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं, जब तक सभी आलू पर मसाला ठीक तरह चढ़ जाए, नमक डालकर मिलाएं और गर्मा गर्म परोसें।